विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2020 के तहत नावयुक्त चुनावी रथ पटना से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रथ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि अब की बार नैया पार। उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी मिशन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए यह चार चक्का वाहन रवाना किया है। यह रथ पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार करेगा। अब की बार नैया पार के नारों के साथ जन जन तक वीआईपी पार्टी की नीतियां, सिद्धांतों और उद्देश्यों को पहुंचाने का काम यह रथ करेगी। ये ऐसा नाम है जो सड़कों पर चलेगा पानी में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो लाल छाप है। इस बार 80 बार नैया पार होने वाली है और आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज मतलब श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए, तो इस बार बिहार में 12 करोड़ जनता को पार लगाने वाली है। ये आज आप हमेशा नाव को देखते होंगे नदी तालाब में चलते हुए, इस बार आपको बिहार में हर गली चौराहे के रोड पे आपको नाव चलते हुए दिखने के लिए मिलेगा। और इस बार मजबूती से हमारी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आपने बताया कि नाव को कितनी सीटें मिल रही है, कितनी नाव के जो भी सीट मिलेगा वहाँ पे लड़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चुनाव जो चिन्ह है, जहाँ हमारी सीट होगा वहाँ पे इस तरीके का प्रचार होगा। उसके अलावा जो चार चक्का गाड़ी है 243 जगह पे हमारी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर और अपने गठबंधन के सभी सहयोगी दल के लोगों को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए 243 विधानसभा में ये गाड़ी अपने अपने जगह पे पहुंचेंगे और इसके लिए हर जगह पे प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और अपने अपने स्तर पे सबको महागठबंधन समर्थक मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जैसा हो कह रहे थे, तो क्या मुकेश सहनी कह रहे हैं कि पार्टी के पदाधिकारी तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमारे नेता आगे बढ़े, हमारी पार्टी आगे बढ़े, तो हमारे कार्यकर्ता का हमारे पार्टी के पदाधिकारी का इच्छा जो भी है वो ठीक है और उसको स्वागत है। और लेकिन हम जो भी बात होगा वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा। महागठबंधन जो निर्णय लेंगे वो समय आते हुए आप लोगों के बीच में जानकारी कब तक, समय देंगे कब तक बात बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये तो मान लीजिए कि नॉमिनेशन के समय में महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे वो जाके नॉमिनेशन करेंगे। अभी रहा कि बड़ी गठबंधन हम लोग बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं, महागठबंधन में पहले के चार दल हैं और लेफ्ट पार्टी को भी जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और आने वाले समय में जब इतने दल हैं तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग है और सीट की संख्या वो सब पे बात होना है और 1-to-1 जारी है बातचीत। कोशिश होगी कि कुंभा बढ़े, कुंभा घटे नहीं। निश्चित तौर पे कुंभा बढ़ाने की बात होगा और मजबूती से बिहार में विकल्प देंगे। युवा को खास करके देख भी रहे हैं देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से किसान को परेशान किया जा रहा है, तो हर समस्या को लेकर बिहार के युवा के लिए खास करके हम लोग लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने नदी पार लगाया था, आज खुद नाव के सहारे बिहार के 12 करोड़ लोगों को पार लगाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। अभी तक आपने नदी तालाब पोखरों में चलते हुए नाव हमेशा देखा होगा, मगर आज यह नाव बिहार के हर गली मोहल्लों और सड़कों पर चलते हुए देखेंगे। बाढ़ के समय में यही नाव बाढ़ग्रस्त लोगों का जीवन दायिनी के रूप में काम करती है। बुरे वक्त में नाव ही काम आता है और निषाद समाज पर भरोसा जताता है। चार चक्का वाहन नाव रथ पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभी से लेकर चुनाव के अंतिम समय तक निरंतर प्रचार प्रसार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे पहले शोषितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी संतोष सहनी, वैद्यनाथ सहनी, आनंद मधुकर यादव, ब्रह्मदेव चौधरी, रमेश सहनी, राजेश राही, संजय पासवान, लाल बाबू सहनी, नवीन निषाद, श्रवण महतो, पिंकी सहनी, किशन चौधरी, सत्येंद्र बिंद्र, अभय कुमार सिंह, अर्जुन सहनी सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।